नमस्कार, आप देख रहे हैं HBR न्यूज। डीसी के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन का स्कोर बनाया, लेकिन इसे भी हासिल करने में दिल्ली कैपिटल्स को पसीना आ गया। देखिए, आईपीएल 2020 में डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद टीम का जीत का खाता खुल ही गया। टीम ने मंगलवार को हुए संघर्षपूर्ण मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराया। मैच में डीसी के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन इसे हासिल करने में भी दिल्ली कैपिटल्स को पसीना आ गया। दिल्ली की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 147 रन ही बना पाई। सनराइजर्स की टूर्नामेंट के इस सीजन में ये पहली जीत रही, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की ये पहली हार। दिल्ली की बल्लेबाजी आज नाकाम रही। शिखर धवन ने 34, ऋषभ पंत ने 28 और शिमरोन हेटमायर ने 21 रन का योगदान दिया, लेकिन ये प्रयास जीत के लिहाज से नाकाफी रहे। सनराइजर्स के लिए आज की जीत में उसके दो स्टार गेंदबाजों राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार का अहम योगदान रहा। राशिद ने जहां 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया, वहीं भुवी ने अपनी पुरानी चमक दिखाते हुए 2 बल्लेबाजों को आउट किया। इससे पहले प्रारंभिक बल्लेबाज जॉनी वेयरस्टा के अर्धशतक और कप्तान डेविड वार्नर के साथ पहले विकेट के लिए हुई उनकी 77 रन की साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाने में सफल हो गई। सनराइजर्स के लिए केन विलियमसन ने भी 41 रन की चमकीली पारी खेली। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम पर डीसी के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वार्नर और बेयरस्टो की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी की। हालांकि इस दौरान रन गति कुछ धीमी रही। अमित मिश्रा ने वार्नर को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा और नए बल्लेबाज मनीष पांडे को भी सस्ते में पवेलियन लौटा दिया। सनराइजर्स के अगले 2 आउट होने वाले बल्लेबाज बेयरस्टो और विलियमसन रहे। अब्दुल समद 12 और अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। डीसी के लिए अमित मिश्रा और कागिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBR न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBR न्यूज़।